गाइज वेलकम बैक टू अवर वीडियो। सो बहुत लोगों को ये चीज़ें कॉमन अभी भी डाउट आ रही है डिक्लेरेशन से रिलेटेड, कि जो वो डिक्लेरेशन फिल कर रहे हैं उसमें दो डेट दिया हुआ है, ठीक है। तो उनको ये डाउट आ रहा है कि डेट कब का फिल करना है आपको, और ये भी उनको डाउट आ रहा है कि जो नीचे सिग्नेचर के बीच में नेम दिया हुआ है, नेम का एक जगह दिया हुआ है, वहाँ पर नेम किसका फिल करना है। तो मैं ये चीज़ आपको क्लियर करता हूँ और इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो आपको डेट फिल करना है ना, डेट आप जिस दिन आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, मतलब जेई मेन 2022 का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, उसमें आपको उस दिन वाला डेट भरना है, ठीक है। और दोनों डेट सेम भरो, ओके, ताकि कोई दिक्कत ना हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर अलग अलग डेट भी भर देते हो तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा डाउट ये आ रहा है बच्चों के दिमाग में कि जो नेम है उसमें क्या फिल करना है। तो देखो, वो डिक्लेरेशन आपका है तो वो आप ही उसमें अपना नेम भरोगे, ठीक है, कैंडिडेट नेम फिल करोगे, ऑलराइट। और बहुत लोगों को ये भी दिक्कत आ रही है कि बहुत लोग उसमें पेरेंट्स का नेम फिल कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे उसका फर्दर आगे कोई यूज़ नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि फाइनली जब आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट कर दोगे तो उसका कोई यूज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था डिक्लेरेशन से रिलेटेड डाउट, जो कि मेजर बहुत लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं वीडियो के नीचे। और एक और आप लोग के लिए अपडेट है कि बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि जेई मेन जो सेकेंड सेशन है उसका रजिस्ट्रेशन कब से होगा। और बहुत लोग के दिमाग में ये भी मेजर डाउट है कि जो अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या ये सेशन वन का है, सेशन टू दोनों का साथ होगा या एक का होगा। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता हूँ कि अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है केवल सेशन वन का हो रहा है, ठीक है, आप सेशन टू का भी नहीं कर पाओगे। सेशन टू जब आप रजिस्ट्रेशन जब कर पाओगे उसका डेट है 8 अप्रैल से स्टार्ट होगा, ठीक है, सेशन टू का। और उसमें एक फ्रेश पोर्टल ओपन होगा, फ्रेश विंडो ओपन होगा जहां से आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। और आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या नहीं किए हैं अभी तक, ठीक है, या उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट अगर नहीं है उनके पास तो कौन सा अपलोड करना है, या अगर डिक्लेरेशन सबमिट कर रहे हैं या ओबीसी एनसीएल बनवाने में उनको कोई दिक्कत आ रहा है, या ईडब्ल्यूएस बनवाने में दिक्कत आ रहा है, सेंट्रल वाला कौन सा है, स्टेट वाला कौन सा है, ये चीज़ डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत आ रही है, फोटो अपलोड करने में, या कोई भी क्वेरी है, या कोई चीज़ गलती कर दी है रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी, अगर कोई गलती कर दी है अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो वो लोग के लिए एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अभी अगर आप रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क ज्वाइन करते हो, ठीक है, मैं लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, 99 रुपीज़ आप पे करके ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपकी पूरी सहायता की जाएगी, लाइक आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि कैसे आप अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो बनवा पाओगे आसानी से, जो कि सही में वही बनवाना है, ठीक है, मतलब आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि आपने स्टेट का बनवा लिया और पता चला कि आपको सेंट्रल का बनवाना है, ठीक है। या रजिस्ट्रेशन में अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है, आसानी से कोई भी चीज़ें पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी हो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है, सारा कुछ रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सब कुछ आपका हो जाएगा, जो आप साइबर कैफ में जाकर आप करवाते हो तो वो आप चीज़ें यहाँ करवा सकते हो, ठीक है, सारा कुछ पूछ पूछ के एक एक चीज़ें, ताकि आप गलती ना करो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, क्योंकि बहुत लोगों ने गलती कर दिया और ये एनटीए वाले ऑलरेडी बोले हैं कि आपको गलती नहीं करना है, कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली मैं बता दूं आपको कि सेकेंड सेशन जब स्टार्ट होगा, अगर ये ऑप्शन उनको मिलता है कि नया पोर्टल वो लोग ओपन करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें ऑप्शन प्रोवाइड की जाएगी कि आप अपना डिटेल फिर से फिल करो, ठीक है। ये तो जब सेकेंड सेशन स्टार्ट होगा तभी पता चल पाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आप कोई गलती मत करो। इसको अवॉइड करने के लिए आप जेई मेन का रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अगर कोई फर्दर डाउट होता है तो आप ज्वाइन करके कॉल करके आसानी से पूछ सकते हो, ठीक है, या आप मेरा वीडियोस देखते रहो, मैं उसमें सारा डाउट क्लियर कर देता हूँ, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।